कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सभी सुस्त होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको एक बढ़िया सा चीज बना के दिखाने वाला हूँ। जो मेरा लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम लोग चारकोल लाने के लिए गए थे। चारकोल क्यों लाए थे, आपको एक सस्पेंस था, आपको भी लग रहा होगा कि इसको अचानक से चारकोल का क्या जरूरत पड़ेगा। एक्चुअली चारकोल इसीलिए लाए थे कि हम जो एक अनबॉक्स किए थे जो मिनी बारबेक्यू जो ग्रिल वाला था, उसको हम आज फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं। और आज मंडे है और मैं तो आप जानते हैं कि अभी जॉब लेस हूँ, जॉब नहीं है, तो घर पे फ्री में बैठा हूँ। तो फ्री में बैठ के ये ये सब सब चीज चीज़ें कुछ करना चाहिए, ब्लॉग वगैरह बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चीज़ ट्राई किया जाए। तो आज पनीर टिक्का बनाने के लिए मैं सोच रहा था, मंडे में नॉनवेज नहीं खाता, तो आप लोगों का पूरी सपोर्ट चाहिए मुझे। दोस्तों मैं एक छोटा सा गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे को प्यार और मोहब्बत दीजिए। आपका और आपका जो कि लव और सपोर्ट मेरे को मेरा चैनल सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, बस इतना मेरे को आपसे उम्मीद है। और मेरे चैनल पे अभी बने रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं आपको आगे लेके जाता हूँ कैसे क्या रेसिपी है, पनीर टिक्का कैसे बनाएंगे, और मैं पहली बार पनीर टिक्का कैसे खाऊंगा, और क्या फीलिंग रहेगा, क्या रिव्यू होगा मेरे तरफ से, मैं आपको पूरा बताऊंगा। इवनिंग हो रहा है, अभी 6 बज गया है, इधर सनसेट हो रहा है और बहुत बढ़िया सीनरी आ रहा है मेरा बालकनी से। मैं मेरा रूम में इधर बालकनी में मैं चारकोल ला के रखा हूँ, जो लास्ट वीडियो में अपने आप लोगों को मैंने दिखाया था। आज एक्चुअली मंडे था, तो मंडे में तो पनीर टिक्का करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता मंडे में। तो आज हम पहला शुरुआत करेंगे पनीर से, वेज आइटम से। मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ, आप लोग का प्यार मोहब्बत रहेगा तो और भी बहुत सारे बार मैं ट्राई करके आपको दिखा सकता हूँ। पहले हम जिंजर ले लेते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ले लेंगे, 1 स्पून, 1 स्पून या 2 स्पून ले सकते हैं आप। और थोड़ा सा हमको हल्दी पाउडर चाहिए, फिर सॉल्ट थोड़ा सा ले लेंगे, चिल्ली पाउडर थोड़ा सा ले लेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते होंगे कि इधर हमारा पनीर और कैप्सिकम ऑलरेडी कटिंग करके रखा है हमने, अभी सिर्फ मैरिनेट करके इसको हमको ये पैन पे ये जो फ्राई करना है। गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लेंगे, इसके साथ कॉर्ड जो कि बहुत ही ज़रूरी है मैरिनेशन के लिए, क्योंकि वो जो डाव बनाएंगे हम उसमें कॉर्ड रहेगा तो उसमें कंसिस्टेंसी अच्छा रहेगा, तो कॉर्ड यूज करेंगे। इधर हमने 50 ग्राम का कुछ कॉर्ड लिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। दोस्तों क्या बताऊँ, मेरा माइक अभी ख़राब हो गया, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा साउंड कम आ रहा होगा, तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम आपका हाई कर दीजिए, जिसमें थोड़ा सा आपको इजी होगा सुनने में। अभी हम पनीर और कैप्सिकम को उसमें डाल के मिक्स करेंगे, अच्छे से मैरिनेट करेंगे, कि जो मसाला हमने प्रिपेयर किया वो पनीर टिक्का मसाला है और इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये भी हमने यूट्यूब में ही देखा था पहले, अब यूट्यूब में देख के हमने आप लोगों को भी हम ये सब ट्राई करके दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को भी अगर कुछ सीखें इसी वीडियो से तो आप लोग भी ट्राई करिए आपके घर में। अभी कैप्सिकम भी ऐड करके उसको मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये तो हो गया हमारा मैरिनेशन पार्ट और हमारा सेटअप भी रेडी है, हमने चारकोल भी डाल दिया है। अभी जस्ट हम इसको आग लगाएंगे, अभी ट्राई करेंगे कि पहला तंदूरी हमारा पनीर टिक्का तंदूरी।
हमारा फ्रेंड्स अभी मैरिनेशन रेडी है, आप देख सकते हैं पूरा स्टीक में भी हमने सजा दिया इसको। अभी इसको लेके चलते हैं हमारा बारबेक्यू पे, उससे पहले हम इसको लाइट करेंगे। अभी हालत खराब हो गया, पहली बार हम यूज़ कर रहा है भाई। आपको अगर ये सब यूज़ करना है तो आपको क्या करना है कि इसमें आप कोई केरोसिन या पेट्रोल के थ्रू आप कर लेंगे, कर लीजिएगा तो थोड़ा इजी रहेगा। हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, और अभी ये सब कुछ इतना हमको मेहनत करना पड़ रहा है। देखो भाई पूरा खाता खत्म हो गया मेरा। दोस्तों काफ़ी सारा मेहनत के बाद 2 साल बाद हमने चारकोल जलाया, हम खुद मेहनत से अभी जलाया। कैसे जलाया वो भी यूट्यूब से देख के जलाया। दोस्तों बहुत सारा पेपर हमने वेस्ट किया, इतना वेस्ट नहीं करना है। आपको एक सिंपल सा सवाल, सिंपल सा तरीका बताऊंगा चारकोल जलाने का। आपको क्या करना है कि एक पेपर लेके उसको आप देखिए, आपको इसको पहले पेपर को ऐसे आपको फोल्ड करना है, ठीक है। पेपर को ऐसे मोटा बना के फोल्ड करना है। उसके बाद इसको कोई भी आपका घर में कोई भी कुकिंग वाला ऑयल है वो ऑयल में डिप करना है। एक बार डिप करने के बाद आप उसको चारकोल के बीच में इसको ऐसे करके रखना है, ऑयल में डिप करके बाकी सारे चारकोल को अपने इसके चारों तरफ रखना है। उसके बाद इसको आग लगा दीजिए कि दिया जैसा काम करेगा, और ये जलते जलते चारकोल में भी आग लग जाएगा और ऐसे ही काफ़ी सारा धुआं आएगा। एक बार धुआं आने के बाद चारकोल आपका लग जाएगा आग में, तो उसके बाद आप बाकी चारकोल को भी ऐसे कोई भी अगर हाथ में नहीं लगाना है, कोई नाइफ और क्या कुछ भी प्लास कुछ भी आपका पास अगर है तो कुछ चीज़ें है तो उसके ज़रिए आप पकड़ के उसके ऊपर सजा के रखिए। लेकिन शायद हमारा पड़ोसी का कंप्लेन आ सकता है क्योंकि आपको ये दिखाने के चक्कर में काफ़ी सारा धुआं हो गया है। बैंगलोर है, ये सिटी है, ऐसा कोई गांव जैसा नहीं है, तो इधर गांव जैसा धुआं आएगा तो हमारा ऐसा रूम का ओनर भी कुछ बोल सकता है या पड़ोसी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन चलेगा एक दिन। फाइनली हमारा बारबेक्यू देखिए कितना अच्छे से जल रहा है, बढ़िया सा फ्लेम आ रहा है, आप देख सकते होंगे। लेकिन ये फ्लेम के पीछे कितना मेहनत है वो हम जानते हैं दोस्तों, तो इसीलिए बिना देरी किए एक लाइक और सब्सक्राइब इतना डिमांड कर रहे हैं। सो इतना सपोर्ट करिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। आप देखिए मैं पहली बार बना रहा हूँ भैया, ये जो हमारा बारबेक्यू का जो है पनीर टिक्का, ये पहली बार मैं बना रहा हूँ घर पे। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। और इसको जो चारकोल को लगाने में हमारा पूरा घंटों बीत गया। उसके बाद एक अच्छे से एक यूट्यूब हैक से हमने लगाया, जो कि घर का रसोई का जो तेल है वो तेल में डूबो के वो पेपर को चारकोल के बीच में रखा, तभी जाके लाइट हुआ।
दोस्तों ये अभी हमारा आप देख सकते हैं रेडी हो गया है, अभी खाने का बारी है। थोड़ा सा जल गया है पहला वाला स्ट्रिप, लेकिन ये अभी परफेक्टली कुक हो गया है। अभी हमने थंबनेल का भी फोटो भी क्लिक कर लिया, काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है, पहली बार बना रहे और आखिरी बार भी हो सकता है मे भी, क्योंकि इतना मशक्क़त के बाद हमने चारकोल जला पाया। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ये हमको कमेंट के थ्रू बताइए, या नहीं तो मेल करके बताइए, कुछ भी करके बताइए, लेकिन एटलीस्ट बताइए, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे तो हमको भी बुरा लगता है कि इतना कुछ मेहनत करने के बाद कोई नहीं देख रहा है, जैसे कि कोई यूट्यूब का मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट करके बताइए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके सामने एक पीस खा के दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया बना है। मेरा हाथ थोड़ा काला हो गया है। ओह, माइंड ब्लोइंग टेस्ट, रियली रियली इट्स सो टेस्टी, बट बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ा इसके लिए, सभी टाइम नहीं बना सकते, जब भी हम फ्री था तो इसलिए बना दिए। आप लोगों को भी अगर ऐसा मौका मिलता है तो दोस्तों के महफिल में जाके थोड़ा ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, लाइफ का मज़ा लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।